माँ भगवती पीताम्बरा पीठ का शहर दतिया। माँ पीताम्बरा का ये शहर लीन है शिव भक्ति में। हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठे हुए हैं रुद्र की रुद्रियां बनाने में। पंडाल में लग रहे हर हर महादेव के जयकारों के साथ ये नजारा है दतिया के स्टेडियम का, जहां श्रद्धालु जुटे हैं सावन के महीने में शिवलिंग निर्माण में। भगवान शिव के आशीर्वाद पाने की लालसा के लिए लोग पहुंचे हैं यहां। पूरी तरह से शिवमय हो रहे इस कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया है मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। आयोजन में दतिया और आसपास के लाखों भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन में मंत्री माया सिंह ने भी हिस्सा लिया और इसे मध्य प्रदेश की जनता के लिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बताया। और यहाँ दद्दा जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। लेकिन पूरे इन्होंने दतिया को जिस तरीके से ऐसे एक अध्यात्म हर किसी के मन में जो अध्यात्म के प्रति और जो पवित्र भाव जागृत करने का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पूर्णता इन्होंने प्रदान की है और शुरू किया है अपने आप में। मैं सबको अपनी ओर से इसके लिए बधाई देती हूँ। 7 दिवसीय कार्यक्रम में 11 करोड़ शिवलिंग का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। 13 अगस्त से 20 अगस्त तक चले इस पूरे आयोजन में न सिर्फ इलाके के श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लालायित दिखे, बल्कि राज्य सरकार के कई मंत्री भी शिव भक्ति के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजन से जनता और देश प्रदेश का भी भला होता है। नरोत्तम जी का इतना बढ़िया आयोजन है कि जो जनसमूह में देख रहा हूँ ऐसा लग रहा पूरा का पूरा दतिया यहाँ उपस्थित हो गया है और निश्चित ही एक बेहतरीन धार्मिक आयोजन है। मैं अपने दिल की गहराइयों से माननीय नरोत्तम जी को, जितने उनके सहयोगी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरे सप्ताह चले इस धार्मिक अनुष्ठान में जनता का विश्वास देखते ही था। कहीं स्वास्तिक, कहीं कलश, तो कहीं शिवलिंग निर्माण। शिवलिंग बनाने के लिए श्रद्धालु सिर में पवित्र मिट्टी के लिए दूर दूर से आ रहे थे और पंडाल में शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। शिवलिंग निर्माण कर रहे महिला पुरुषों ने जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि पिछले कई साल से मंत्री जी सावन के महीने में इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद इस पूरे इलाके की जनता को होता है। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। मंत्री जी का जो एक तरह से जो शिवलिंग का अभिषेक करवाए रहे हैं, बनवा रहे हैं, ये बहुत ही पूर्ण प्रतापों का फल है और आने वाले समय में मंत्री जी ही इसने फिर से विधायक बनेंगे। इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान में आयोजित भंडारे में रोजाना तकरीबन 20,000 लोगों के भंडारे की व्यवस्था थी। वहीं आखिरी दिन यही भीड़ बढ़कर 50,000 के आसपास तक पहुंच गई। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दतिया शहर के वासियों पर भगवान शिव की अनुकंपा ही है, जिस वजह से इतने विशाल कार्यक्रम का समापन बेहद आसानी से हो गया। दतिया से कैमरा पर्सन सईद खान के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।